उत्तराखंड के भीमताल में कूड़े के ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक बीच रोड में बुरी तरह से जल गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया तो पुलिस ने झुलसे चालक को अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल जिले में भीमताल से हल्द्वानी जाने वाले मार्ग में क्योराली गांव के पास भीमताल नगर पालिका के कूड़े के ट्रक में आग लग गई। कूड़े के बड़े ट्रक में अचानक आग लगने से इस व्यस्त मार्ग में दोनों तरफ ट्रैफिक रुक गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक हल्द्वानी के गोलापार स्थित डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा पैक कर लौट रहा था। माना जा रहा है कि ट्रक के फ्यूल टैंक से शुरू हुई आग देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। आग की तेज लपटों को देखकर सभी के होश उड़ गए। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें जंगल में गिरने लगी, जिससे जंगल में भी आग लग गई। आग को बुझाने के लिए हल्द्वानी और नैनीताल से दमकल विभाग की टीमें पहुंची। दमकल विभाग के फायर फाइटरों ने ट्रक की धधकती आग को बुझाने के लिए कैबिन का दरवाज़ा खोला और फिर अंदर की आग पर बमुश्किल काबू पाया। ट्रक का चालक भी आग में अंशतः झुलस गया, जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए CSC सेंटर भेजा गया है। भीमताल पुलिस ने सड़क में लगे जाम को धीरे धीरे खुलवाया और स्थिति को सामान्य किया। ट्रक में लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए दमकल विभाग जुट गया है। आज भीमताल रोड पर नगर पंचायत भीमताल का कूड़ा वाहन जो गाड़ी है उसमें अचानक आग लग गई, जो हल्द्वानी से वापस भीमताल की ओर आ रही थी, जो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। उसमें जो हमारे चालक थे विजय पाल, वो भी काफ़ी बुरी तरह झुलस चुके हैं आग से, और मैंने मौके पर पहुंचकर उनको तुरंत वहां से उठाकर इस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है और उनकी जान सुरक्षित है।